हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 गन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 85% या 75% आए हैं तो आप लैपटॉप योजना के अंतर्गत लैपटॉप के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उसी संबंध में दोस्तों जानकारी देने वाला हूँ। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और उसमें क्या एलिजिबिलिटी ने पात्रता रखी गई है, वही सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों जो लैपटॉप योजना थी उसको हमारे उस योजना को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों उन स्टूडेंट को फायदा दिया जाता था जो 12वीं क्लास में 85% लाते थे या ST SC कैटेगरी वाले 75% लाते थे, उन स्टूडेंट को दोस्तों उस योजना के अंतर्गत लैपटॉप या 25,000 की राशि लैपटॉप के लिए दी जाती थी। तो दोस्तों उस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको shikshaportal.mp.government.in के ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा लैपटॉप, इस पर आपको दोस्तों आसानी से यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दोस्तों नया विंडो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में जाना है, पात्रता जाने मतलब एलिजिबिलिटी पर जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया, चेक एलिजिबिलिटी और अपनी पात्रता जाने, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपना 12वीं क्लास का रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर गेट डिटेल फॉर मेरिटियस स्टूडेंट मतलब दोस्तों जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। अभी दोस्तों 12वीं क्लास के स्टूडेंटों के लिए ही ये योजना को शुरू किया गया है, पर दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए भी आगे कमलनाथ सरकार शुरू कर देगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर डाल के देखे थे जिनके 85% है उससे ज़्यादा थे। तो यहाँ पर दोस्तों एक किरण मैसेज आ रहा है कि अभी इस तरीके का कोई भी डाटा अपलोड नहीं हुआ, मतलब दोस्तों अभी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद कमलनाथ सरकार इस योजना पर विचार करेगी कि इस योजना को चालू करना है बंद करना है। तो जैसे ही अगर इस योजना को चालू रखा जाएगा तो जो स्टूडेंट के 85% है उनका डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल के इसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म आएगा उसको फिल कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और उसके बाद राशन कार्ड की फोटो कॉपी भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र इसमें जरूरी मांगा गया है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तभी आपको उसका फायदा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको मूल निवासी पत्र यहाँ पर दोस्तों जरूरी है और 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। छात्र मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हूँ मतलब MP बोर्ड का आपको यहाँ पर स्टूडेंट होना चाहिए। और आपको इस योजना का फायदा लेने के लिए अगर आप जनरल और OBC के तो 85% आपके 12वीं क्लास में आना चाहिए और ST वालों के लिए यहाँ पर दोस्तों 75% रखा गया है। पर यहाँ पर दोस्तों इस योजना को भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए ही शुरू किया गया था। अब दोस्तों आगे इसको हो सकता है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा जो 85% लाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ समय वेट करना होगा, जैसे ही इसके यहाँ पर अपडेट वगैरह हो जाएगा डाटा सभी स्टूडेंट का, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।